वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम एनालिसिस करने वाले हैं 21 जुलाई यानी कि फ्राइडे के लिए। आज हम यहाँ पे निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी एंड सेंसेक्स की एनालिसिस करेंगे। आज हम देख सकते हैं निफ्टी ने फिर से एक बहुत बढ़िया रन दिया है एंड 20,000 के लेवल के बहुत नज़दीक पहुँच गए हैं अब हम। तो चलिए देखते हैं कल के लेवल्स के लिए। तो सबसे पहले एज यूजुअल हमने प्रीवियस डे लो यानी कि आज का लो मार्क कर दिया है, तो था 19,758। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं ये रहा आज के दिन का हाई 19,991। दिस इज़ वेरी क्लोज टू 20,000, तो आप इसको 20,000 ही मान के चलें। ये देखिए, अब जैसा कि आप देख सकते हैं कल हमने ये ABCD पैटर्न को डिस्कस किया था, इसका एक्टिवेशन यहाँ पे हुआ और बहुत बढ़िया रन आया है। तो अब जो ये रन है ये लगभग 20,119 यहाँ तक कंटिन्यू हो सकता है। इस लेवल के आसपास हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है अगर 20,000 के ऊपर कंटिन्यूएशन मिलता है। तो इसके हिसाब से जो हमारे कल के प्रोबेबल ट्रेड्स बनते हैं वो कुछ इस प्रकार से हैं। कल अगर एक फ्लैट ओपनिंग मिलती है हमें यानी कि इस एरिया में कहीं मार्केट ओपन होता है, तो हम वेट करेंगे या तो इस लेवल का ब्रेकआउट आए, रिटेस्ट किया जाए एंड फिर एक ब्रेकआउट हो, तो यहाँ पे एक परफेक्ट कॉल अपॉर्चुनिटी बनती है। यहाँ पे आप कॉल लेंगे तो आप 20,120 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। दूसरा सिनेरियो बनता है इसी फ्लैट ओपनिंग के साथ में हमें इस लेवल का ब्रेकडाउन मिल जाए। देखिए मार्केट ने लास्ट सपोर्ट जो लिया है वो इस लेवल से लिया है 19,933, तो मार्केट इस लेवल को ब्रेक करे, एक बार रिटेस्ट करे और फिर ब्रेकडाउन दे। तो ये था हमारा दूसरा सिनेरियो। तीसरा सिनेरियो ये बनता है मार्केट कहीं गैप अप ओपन हो जाए। गैप अप ओपनिंग होती है तो हमें इस चीज़ का ध्यान देना रहेगा कि प्राइस एक्शन किस तरीके का बन रहा है। ये देखिए अगर गैप अप ओपनिंग इसी एरिया में होगी तो हमें वेट करना होगा, मार्केट एक रेंज के अंदर कंसोलिडेशन दे, फिर या तो इस रेंज का हमें ब्रेकआउट देखने को मिल जाए, नहीं तो इस रेंज का हमें ब्रेकडाउन देखने को मिले एक रीटेस्ट के साथ में। तो आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का हमें प्राइस एक्शन मूवमेंट मिल जाएगा। नेक्स्ट सिनेरियो दैट कैन हैपन इज मार्केट एक गैप डाउन में ओपन करे यानी कि कहीं इस लेवल में। ये देख रहे हैं आप, ये जो 19,333 का लेवल है, आई एम सॉरी 19,933 का लेवल है, इसके नीचे कहीं ओपनिंग होती है तो काफ़ी ज़्यादा पॉसिबल चांसेस रहेंगे कि ये जो एक्शन लेवल मैंने मार्क करा है 19,852, यहाँ पे थोड़ा कंसोलिडेशन होगा एंड फिर से एक नई ओपनिंग मिल सकती है। गाइस कल के लिए आप एक चीज़ का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, मार्केट ने यहाँ पे एक डायरेक्ट मूव दिया है, आप देख सकते हैं ये डायरेक्टली ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं मार्केट इस गैप को फिल करने के लिए नीचे आएगा एंड फिर वापस अपनी जर्नी कंटिन्यू करेगा। तो कल के लिए इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखना है। थोड़ा सा हम ये भी डिस्कस करते हैं कि आज के सेटअप को आप कैसे ट्रेड कर सकते थे। ये देखिए अगर आज हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाएं, ये देखिए आप, ये देखिए ये दिन की पहली कैंडल थी, मार्केट नीचे आया, ये हमारा एक्शन लेवल भी था। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये 50 EMA की लाइन है, इसने 50 EMA की लाइन पे सपोर्ट लिया एंड वहाँ से आप देख सकते हैं क्लियर रन मिला है आपको। ये था प्रीवियस डे का हाई, इसने यहाँ पे एक बार रेजिस्टेंस लिया, इसे रिटेस्ट किया एंड फिर ब्रेकआउट करके बहुत बढ़िया ट्रेड मिला है। सो गाइस दिस वाज द एनालिसिस फॉर निफ्टी। नेक्स्ट वील मूव अहेड टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी में भी बहुत बढ़िया रन आया है एंड यहाँ पे भी हम सबसे पहले आज के ट्रेड को एनालाइज करते हैं। ये देखिए ये मार्केट की ओपनिंग थी, इसने अपने 15 मिनट के लो पे सपोर्ट लिया, ये देखिए यहाँ पे सपोर्ट लिया, एक ब्रेकआउट दिया है एंड उसके बाद में यहाँ पे क्लियर रन मिला है। बैंक निफ्टी में बहुत दिन से ये मोमेंटम एब्सेंट था, वापस आया है मोमेंटम, तो देखते हैं कि ये मोमेंटम कब तक जारी रहता है। चलिए अब आज हम कल के लिए लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज के डे का जो हाई है वो लगभग 46,255 है एंड जो आज के डे का लो है वो है 45,638। अब यहाँ पे हमारे पास दो एक्शन लेवल्स निकल के आते हैं, द फर्स्ट बीइंग 45,979। देखिए मार्केट ने आज जो एक बार सपोर्ट लिया, देखिए पूरे रन के अंदर एक मेजर फॉल आया है, वो सिर्फ ये फॉल था, तो
ये 45,979 के लेवल के आसपास है। तो कल के लिए हमें ये ध्यान रखना रहेगा, फर्स्ट सिनेरियो बीइंग मार्केट कहीं इसी एरिया में ओपन होता है तो हम वेट करेंगे यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। ये देख रहे हैं आप हमारे एक्शन लेवल के आसपास, हम वेट करेंगे यहाँ पर मार्केट आए, कंसोलिडेट करे एंड फिर इसके बाद में एक रेंज का हमें ब्रेकआउट मिल जाए, यहाँ पे एक ब्रेकआउट मिल जाए हमें। दूसरा क्या हो सकता है, इसी रेंज का हमें ब्रेकडाउन मिल जाए तो हम ध्यान रखेंगे प्रीवियस डे लो यानी कि 45,638 के आसपास हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे क्योंकि मार्केट यहाँ से फिर एक बार सपोर्ट ले सकता है। क्योंकि ये आप देखेंगे पहले कितना बढ़िया रेजिस्टेंस के जैसे इसने एक्ट किया है, तो दिस विल एक्ट एज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नाउ एंड देखेंगे तो मार्केट यहाँ से क्लियर रन दिया है तो कहीं ना कहीं यहाँ पर स्टॉप लॉस लेने के लिए आएगा जिन लोगों ने कॉल साइड पर अपनी पोजिशंस बना के रखी हैं। तो ये था फर्स्ट सिनेरियो, और लेट्स मूव अहेड टू द सेकंड सिनेरियो। अब हम बात करते हैं मार्केट कहीं ना कहीं गैप अप ओपनिंग दे दे यानी कि इस जगह पे ओपनिंग दे, तो अगेन हमें ध्यान रखना रहेगा गैप अप ओपनिंग के बाद में मार्केट सपोर्ट ले एंड फिर ब्रेकआउट करे और एल्स इस रेंज का ब्रेकडाउन दे, उसे रिटेस्ट करे और फिर डाउन साइड आए। सो दिस वॉज द सेकेंड सिनेरियो। गाइज ध्यान रखिएगा यहाँ पे भी एक ABCD पैटर्न है, मैं आपको उसको 30 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखाना चाहूँगा, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए इसका ए लेग मैंने कल भी आपके साथ डिस्कस किया था, आज इसी पैटर्न का हमें ब्रेकआउट मिला है तो इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन जो है वो लगभग 46,634। आप 46,600 के आसपास अपनी कॉल साइड की पोजीशन को बिल्कुल स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा और अगर आप यहाँ पे देखते हैं पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलता है यानी कि यहाँ पे हॉल्ट लगाने की जगह एक बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट होता है तो फिर आप वेट करिएगा इसके रिटेस्ट का तो आपको अगला लेवल 46,888 भी मिल सकता है। और द थर्ड सिनेरियो बीइंग कि मार्केट कहीं गैप डाउन ओपन हो जाए। अब गैप डाउन में हमें ध्यान रखना होगा कि मार्केट अगर इस एरिया में कहीं ओपन होता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम वेट करेंगे मार्केट फिर से इस रेंज में आए, कंसोलिडेशन करे। ये देखिए लास्ट जो अप मूव आया था वो भी कुछ इसी लेवल से आया था, हम वेट करेंगे यहाँ पे मार्केट आए इस लेवल पे 2 से 3 बार इसको रिटेस्ट करे और फिर ये 45,773 इस लेवल का ब्रेकआउट करे और मार्केट ऊपर की तरफ निकल जाए। ओके गाइस दिस वाज द एनालिसिस फॉर बैंक निफ्टी। नेक्स्ट वी विल मूव टू फिन निफ्टी। आप देख सकते हैं फिन निफ्टी के अंदर भी एक ABCD पैटर्न है जिसका आज एक्टिवेशन हुआ है। इसका पोटेंशियल रिवर्सल जोन 20,740 के आसपास है तो अगर कॉल साइड में आप कोई भी पोजीशन रखते हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, इस लेवल के आसपास आपको एक रिवर्सल बिल्कुल मिल सकता है। चलिए इंपॉर्टेंट लेवल्स को डिस्कस कर लेते हैं। आज के दिन का जो हाई है वो है 20,614, वहीं जो आज के दिन का लो है वो है 20,321। तो प्राइस एक्शन के हिसाब से हमें जो इम्पोर्टेंट लेवल्स मिलते हैं वो है 20,479। आइए यहाँ पे भी हम सारी पॉसिबिलिटीज़ को डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉसिबिलिटी बीइंग मार्केट इसी एरिया में एक फ्लैट ओपनिंग दे, तो अब हम यहाँ पे कोई भी कॉल पोजीशन नहीं बनाएंगे, हम वेट करेंगे मार्केट अपने पुराने सपोर्ट तक आए, इसको टेस्ट करें अच्छे से। यहाँ पे हमें एक अच्छा प्राइस एक्शन देखने को मिले, कंसोलिडेशन देखने को मिले और फिर इस रेंज का हमें रीटेस्ट के साथ में ब्रेकआउट मिल जाए। यहाँ पे अगर आप कोई भी कॉल पोजीशन बनाएंगे तो आप आधी पोजीशन को 20,614 के आसपास स्क्वायर ऑफ कर दीजिएगा। फिर आप ध्यान देना यहाँ पे किस तरीके का प्राइस एक्शन बनता है। अगेन अगर यहाँ पे आपको बड़ी कैंडल से ब्रेकआउट मिलता है फिर इसी लेवल पे रीटेस्ट, अब देखिए आप इसी लेवल पे रीटेस्ट हो एंड फिर ब्रेकआउट मिल जाए तो आप 20,740 तक अपनी जर्नी को कंटिन्यू कर सकते हैं और एल्स आप यहाँ से रिवर्सल खोज सकते हैं पुट साइड के लिए। दी अदर सिनेरियो बीइंग कि मार्केट गैप अप ओपन हो, इस एरिया में ओपन हो, अगेन वील वेट फॉर सम कंसोलिडेशन, फिर हम वेट करेंगे कि इसका ब्रेकआउट मिले एंड 20,740 के आसपास हम अपनी पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर देंगे। द थर्ड सिनेरियो बीइंग मार्केट गैप डाउन ओपन हो। अब मार्केट इस एरिया में कहीं गैप डाउन ओपन होगा, ये देखिए आप
20,400 से 20,479 के बीच में। तो अगेन हम वेट करेंगे इस कंसोलिडेशन का। ये देखिए इस कंसोलिडेशन का, एंड फिर अगेन वील चेज अ ब्रेकआउट। गाइज यहाँ पे आपका कोई भी पुट की पोजीशन बनती है 20,410 या फिर 20,321 के नीचे, जब तक इन लेवल्स को मार्केट नहीं तोड़ता है, आप प्लीज़ पुट साइड की कोई भी पोजीशन अवॉइड करिएगा। जब भी आप कॉल साइड में बैठें तो आप ध्यान रखिएगा आपकी बेस्ट जो एंट्री पोजीशन बनती है वो 50 EMA के आसपास बनती है। तो कल भी हम वेट करेंगे कि मार्केट कहीं इस लेवल तक आए। ये देखिए आप, मार्केट कहीं इस लेवल तक आ जाए यहाँ तक, एंड 50 EMA भी तब तक यहाँ तक पहुँच जाएगा। अब हम वेट करेंगे, जैसे ही क्या हुआ मार्केट यहाँ तक आया, मार्केट ने क्या किया, एक रिट्रेसमेंट दिया, 50 EMA के लेवल के बहुत नज़दीक आया, सुपर ट्रेंड के भी बहुत नज़दीक था, एंड फिर अपनी जर्नी को कंटिन्यू किया। तो कल भी हम कुछ इस तरीके का ही प्राइस एक्शन देखना पसंद करेंगे, एंड तभी हम ट्रेड को एंटर करेंगे। ये आपकी बेस्ट एंट्री पोजिशन रहेगी। यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस भी मिनिमल रहता है, आप अपना स्टॉप लॉस को 50 EMA की लाइन के साथ में ट्रेल भी कर सकते हैं, यानी कि जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाते जाएगा आपका ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी ऊपर जाते जाएगा। ओके गाइज, वील मूव अहेड टू सेंसेक्स नाउ। कल इसकी भी एक्सपायरी है, बहुत बढ़िया मूव आया यहाँ पे भी। ये देखिए, तो अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं आज के दिन का जो लो है वो था 66,825, और जो आज के दिन का हाई है वो है 66,621। यहाँ पे हमारे पास दो इम्पोर्टेंट लेवल्स निकल के आते हैं, 67,422 एंड दी अदर लेवल बीइंग 67,173। अब गाइस बहुत ध्यान से सुनिएगा आप, अगर आप ये नहीं सुनेंगे तो आप कल ट्रेड में कुछ गलती कर बैठेंगे। आपको इस लेवल पे इस एरिया के अंदर कोई भी ट्रेड नहीं लेना है, ये नो ट्रेडिंग जोन है आपके लिए, आप ये मान के चलिए। तो आप पूछेंगे ट्रेड लेना कब है, तो आपका ट्रेड बनता है सबसे पहला ट्रेड कि यहाँ मार्केट आज के दिन का जो हाई है उसको ब्रेक करे, यहाँ पे रिटेस्ट करे, कंसोलिडेशन दे, इस तरीके से कुछ कंसोलिडेशन दे दे, एंड फिर ब्रेकआउट दे। पहला ट्रेड ये बनता है। दूसरा ट्रेड आपका बनता है मार्केट इस लेवल को तोड़ दे, यहाँ रिटेस्ट करे और फिर नीचे की तरफ जर्नी कंटिन्यू करें। थर्ड ट्रेड जो आपका बनेगा वो बनेगा मार्केट इस जर्नी को नीचे तक कंटिन्यू करे एंड यहाँ पे एक स्टॉप लगा दे, इसको एक से दो या तीन बार इसको रिटेस्ट करे। यहाँ पे आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लीजिएगा, जैसे ही इसका ब्रेकआउट मिलता है तो आपको एक बढ़िया पोजिशन मिलेगी। यहाँ पे भी आप ध्यान रखिएगा 50 EMA की लाइन के आसपास ही कॉल पोजिशन की आप एंट्री बनाइएगा, वहाँ पे आपका स्टॉप लॉस मिनिमल रहेगा एंड ये परफेक्ट एंट्री रहती है। एंड द थर्ड ट्रेड बीइंग कि मार्केट गैप डाउन ओपन हो और नीचे जाते चले जाए एंड आज के दिन का जो लो है इसके आसपास आके रीटेस्ट करे एंड फिर इसका ब्रेकआउट दे। तो ये तीन ट्रेड सिनेरियोज़ हैं, ध्यान रखिएगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे आप ट्रेड मत लीजिएगा। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मार्केट यहाँ पे कल बहुत टाइम पास करेगा एंड उससे क्या आपका ऑप्शंस के प्रीमियम का डिके हो जाएगा। तो आई होप एनालिसिस बहुत बढ़िया लगी होगी आप लोगों को। कल इन लेवल्स को आप फॉलो करिएगा, अपने डिसिप्लिन से ट्रेड करिएगा।